मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शहर के केशव कॉलोनी में रहने वाला एक 4 वर्षीय बालक आराध्य शर्मा, जो सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए तकरीबन 30 लाख रुपए की जरूरत है। ऐसे में उस बालक के इलाज के लिए शहर की ही एक मासूम बच्ची सामने आई है, जिसने इस गर्मी में भी आराध्य के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा कर शहर की जनता को जागरूक किया है और साथ ही मदद की अपील भी कर रही है। इस मासूम बच्ची की पहल की सफलता का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महज 2 दिन के अंदर ही करीब 7 लाख रुपए का चंदा इस बच्ची ने इकट्ठा कर लिया है। जो लोग वंचित पढ़ाई से संबंधित लोग ये जो कि एक बहुत बड़ा बजट था, पैकिंग से आवश्यकता थी, तो हमने इसे मिशन का रूप दिया और भगवान की कृपा से आज हम उसका सफल होते देख रहे हैं। करीब करीब मोटा मोटी 7-1 लाख रुपया हम इकट्ठा कर चुके हैं 2 दिन के अंदर, और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि अधिक से जो बजट उस बालक के इलाज में लगेगा वो मुरैना की सत्ता हमें सहज से प्रदान कर रही है। ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, किन किन संगठनों के द्वारा किस तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है? समाज के सभी वर्ग, एक आम व्यक्ति भी पूरी मतलब भावना के साथ, भाव के साथ, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का दानदाता हो, एक भाव जागृत हुआ है। सबसे बड़ी बात इस बालक के साथ ये हुई है कि भाव जागृत हुआ है लोगों में, जो वंचित लोगों की मदद। अभी आप बच्चे की लोकेशन भी दे रहे हैं, क्या स्थिति है? बच्चे की अभी कीमियो हो रही है और जो वो मेरे ओनर है वो भी मिल गया है, जैसे ही फंड अरेंज होता है। एक छोटी बच्ची भी इस अभियान में बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, उनको कैसे क्या किसकी कैसे क्या किया जा रहा है? नहीं, वो हमारे नेत्री हैं, उनकी बेटी है, बड़ा उसके भाव बड़े अच्छे भाव हैं, पवित्र भाव हैं। उसने अपने गुल्लक छोड़ कर सर्वप्रथम हमें जो उसने इकट्ठा किया था पैसा दिया, और भाव के आधार पर ये पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं। बच्चे बूढ़े बड़े सभी समाज के सभी लोग। तो ये पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रही है? क्या दिक्कत हो गई है उनको? उनको ब्लड में इंफेक्शन है। क्या वो कहाँ पे है इस समय? वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ठीक हो जाएंगे वो? हाँ, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ईश्वर से भी प्रार्थना कर रही हैं आप? हाँ, मैं रोज करती हूँ ईश्वर को प्रार्थना के लिए, जल्दी से ठीक हो जाए। मुरैना से इनसाइट न्यूज के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।